विविध समसामयिकी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, साथ ही साथ सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, साथ ही साथ इसके सीरीज में हम उन सभी तथ्यों की विविध को भी सम्मिलित करके रखेंगे जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। आप लोग इस क्लास के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज की जो सीरीज होगी थोड़ा सा तेजी के साथ चलेगी और हमें प्रयास करेंगे कि उन महत्वपूर्ण 150 प्रश्नों को पढ़ना जहां से आपके भर्ती परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो स्वामी दयानंद जी थे उनका मूल नाम क्या था। मूल शंकर, आदि शंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि ये सुपर फास्ट सीरीज चलेगी आपके लिए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, तो मूल शंकर ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित किया था। जी हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब ने निष्कासित किया था। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित और राष्ट्रित में है। सर थॉमस रो, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेट। जी हाँ, प्रश्न का उत्तर होगा सर निकोलस वेट, माने डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। बढ़ते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में, ध्यान रहे, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, डायज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नायडो डी कुन्हा, क्या होगा सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी आप लोगों ने एकदम सही बताया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, माने सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बताया है, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल के दौरान जजिया कर को पुनः लगाया गया था। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट और फटाफट वीडियो को शेयर करिए, जितना जल्दी हो सके लोगों तक पहुंचाइए। जी हां, जजिया कर पुनः लगाया गया था, एकदम सही आप लोगों ने बताया। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, कब, 1679 में। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी, बालाजी, बाजीराव, शिवाजी, किशनदेव राय या बाजीराव। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया है, एकदम सही, रट लीजिएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को हम अष्ट प्रधान कहते थे। क्या कहते थे, अष्ट प्रधान कहते थे। माने इस प्रश्न का सही विकल्प जो है बी है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, इसका मतलब आप सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला प्रश्न, धर्म चक्र प्रवर्तन किसे निर्दिष्ट करता है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का गृह त्याग। तो जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया है, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो क्या था, सारनाथ के ऋषि पत्तन में, और इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, यह वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब पर और ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आप निःशुल्क लाइव देख रहे हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, गोपथ ब्राह्मण। जी हाँ, गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित वेदों में से किससे संलग्न है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गोपद ब्राह्मण वेदों में से किसमें से संलग्न, अगर आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो निम्नलिखित में से किस प्रश्न का जवाब देंगे, अथर्ववेद का सही जवाब है। अथर्ववेद प्रश्न का सही जवाब है। फटाफट वीडियो को शेयर करिए, ये आपके अंतिम चरण के सरकारी नौकरी वाले प्रश्न है। मगध की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी, मगध की पहली राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। फटाफट कमेंट करके बताएं जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, राजगीर इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल, योग दर्शन को किसने प्रतिपादित किया, पतंजलि, गौतम, जैमिनी, कपिल। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, इसका होगा क्या, पतंजलि। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, पतंजलि। योग दर्शन रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण और यूनिक प्रश्न बैंक की सीरीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है,
जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे मिलकर संसद का निर्माण होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त में से सभी। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट वीडियो को शेयर करिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जहां जहां भी देख रहे हैं वहां वहां वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका उद्देश्य और हम लोग का उद्देश्य केवल सिलेक्शन है। जी हाँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हमारी भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ये बताया है, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके परीक्षा में एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अंतर्राज्यीय समझौते के प्रभावी बनाने तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं, इसमें गलत टाइप हो गया, पहले शुरुआत में 1 से 10 हो गया, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 253, इसका सही जवाब है 253। इस प्रश्न का सही, देखिए यहां पे गलत टाइपिंग हो गया नंबरिंग को लेकर, यहां पे एक नंबर से बताइए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण जीएस के सवाल है। अगला है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, किसके पास होती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह बी होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा हाल में आएंगे और आप राष्ट्रपति लगा के गलती मत करिएगा। यहां पर प्रश्न का उत्तर बी, प्रधानमंत्री होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, 356, 76, ये चार अनुच्छेद आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन चार अनुच्छेदों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 352 क्या है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, 356 क्या है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74, ये ऐसी सीरीज है जहां पे आपको सभी प्रश्न बैंक को तैयार करना है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, अब की बार एक सीट हमार। यार वीडियो को शेयर करिए, 150 प्रश्न बैंक की सीरीज आपके लिए ई-लर्निंग दुर्गेश पर लाइव है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दिया गया है, 108 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर होगा स्पीकर। स्पीकर को ही क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं स्पीकर को ही। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह पारित मान लिया जाता है? सभी लोग फटाफट करें, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं। कर भला तो हो भला, 14 दिन वाले एकदम सही जवाब है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा नहीं पारित करती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय के मामले के मंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, किसे? जी हाँ, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है। डी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला सवाल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। बताइए, सभी लोग बताइए, ये हमने पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग लगातार ई-लर्निंग में दुर्गेश पे हमारी क्लास पढ़े होंगे तो आपको याद होगा किस रिट को जारी कर सकता है उच्च न्यायालय, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, सशरीर प्रस्तुत करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सही जवाब सी। अगला, किस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करें,
जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 को जो एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, विधिक अधिकार के रूप में रखा गया 44वां। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी, रट लीजिएगा क्योंकि सरकारी नौकरी करनी अब की बार एक सी ढमार। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। फटाफट कमेंट करें। यह भारतीय संविधान से जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक है, जीएस, जीके, करंट, विविध, बताइए फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही बताया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। अगला सवाल आपके सामने डिस्प्ले पर है, अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, बताइए। यह हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह 48 और 48A बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, अनुच्छेद 51 मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समझौते। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 40 रट लीजिएगा, ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए नित्य निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में इसका जिक्र किया गया है। यही लनी बिदुर्गेश के नोट्स में था। अगर सारे क्वेश्चन अगर आपने एक बार नोट्स पढ़े होंगे, एक भी प्रश्न आपके अभी तक गलत नहीं होंगे। बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको भी दिख रहा होगा और मुझे भी दिख रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहां उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में, मूल कर्तव्य में, 9वीं सूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ध्यान रहे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर संविधान की उद्देशिका, इसे भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहा था। 9वीं अनुसूची जो 1951 में पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी भूमि सुधार के नाम से, मूल कर्तव्य जो भाग 4 क में है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 क में है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में है, और इसका जिक्र जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है। कहां पे? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, जस्ट ऊपर हमने इसका अनुच्छेद बताया था। अगले सवाल की तरफ हम तेजी से बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नीति निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समानता। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में बार बार है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। विधि के समय समता का अधिकार आर्टिकल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट। धर्म की स्वतंत्रता बताइए किस अनुच्छेद में है? यहां पे होगा समान नागरिक संहिता, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। यह अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 27 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। ये सीरीज हमने पढ़ाया है, और आप लोग को जब हम लोगों ने भारतीय संविधान पढ़ाया था उसमें भी बताया था, और भारतीय संविधान के नोट्स में भी आपको यह प्रश्न मिलेगा। चलिए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, 28 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन के बाद, मतलब गणतंत्र दिवस के 2 दिन के बाद यह दिवस मनाया जाता है। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप लोग इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे? चलिए, जितने लोग वीडियो को लाइक और शेयर किए, भगवान करे इस भर्ती परीक्षा में उनका स्थान, उनकी नौकरी पक्की हो, मेहनत करे, बेहतर करते रहे। बाकी सभी की, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधि की मंत्री को। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है, बताइए, बताइए फटाफट कमेंट करके। यह राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? कोई भी मंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? यह भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहिएगा।
भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, 136 अनुच्छेद 139 140 142 सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अनुच्छेद 142 इज राइट आंसर। अब मेरा एक सवाल है, अनुच्छेद 143 क्या है, यह परीक्षा में पूछा जाता है और सारे अनुच्छेद आपको इलेनी बुद्रगेश के नोट्स में होंगे। अगर आपने नोट्स लिए होंगे या पढ़े होंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है? केवल भारत में, यूएसए, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में? जितने इस वीडियो को देख रहे हैं बताइए जल्दी जल्दी यार आप लोग। देखिए, भारत और यूएसए दोनों में, मान इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? डी होगा। ठीक, अगला, राज्यपाल को पद की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल को उसकी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत किया गया है। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने बताया, एकदम राइट आंसर है, एकदम सही बता रहे हैं आप लोग। राज्यपाल को उसके पद को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ऐसे उत्तर परीक्षा हॉल के अंदर मत दीजिएगा वरना अब की बार एक सीट हमारे से, अब की बार एक सीट त्योहार हो जाएगी। जी हाँ, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का, इसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करता है और लेकिन उसे शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब की बार एक सीट हमार, ऐसा ना हो कि अब की बार एक सीट त्योहार हो जाए। हाँ, वीडियो को ध्यान से देखा और गलती मत करा, एक को गलती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 153, 156, 157, 155 ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी अनुच्छेद को आपको रट्टा मार के रखना है। अब भाई एक्सप्रेस बनना है आज की क्लास में क्योंकि 150 प्रश्नों को पूरे करने हैं आज। देखिए, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है, जिसको उसकी पद और गोपनीयता की जो शपथ होती है, पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। आयकर विभाजन, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन। देखिए सभी लोग बताइए भैया, जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और अहम है। चलिए, यह आयकर विभाजन करती है, उत्पादन शुल्क का विभाजन करती है, सहायतार्थ अनुदान करती है, लेकिन व्यापार कर का विभाजन इसका काम नहीं है। वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके जवाब दीजिए। अगला आपके सामने है, ओएमबड्यूसमैन का भारतीय प्रतिमान है? लेखपाल, तहसीलदार, राज्यपाल, लोकपाल, बताइए क्या होगा? लोकपाल इस प्रश्न का सही जवाब है। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, बिहार में, राजस्थान में? महाराष्ट्र प्रश्न का सही जवाब है। महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? भारत सरकार द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखते इस प्रश्न के कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी करने के सबसे ज्यादा हकदार हैं। अब की बार एक सीट हमार, फटाफट कमेंट करिए। अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है लाइव सेशन में, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तभी जवाब दीजिएगा। संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा कानून बनाकर न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि घोषित किया गया किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करा देने का निर्णय भारतीय संसद द्वारा किया गया है।
अगला, निम्नलिखित में से दलित व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। राजनीतिक व्यवस्था। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब दे। प्रश्न नंबर 25, ये भारतीय संविधान के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके परीक्षा में बार बार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यह होगा संविधान संशोधन विधेयक, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंदर जिसका जिक्र किया गया है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सोचिए कितनी गलती आप लोग करते हैं, यह गलती परीक्षा हाल में ना दोहराइएगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहां शुरू वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? शीतोष्ण घास स्थल, समाना, शंकुधारी वन, शीतोष्ण वन। सभी लोग फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कहां से शुरू वनस्पति उत्पादन वार्षिक औसत दर अधिकतम है? तो शीतोष्ण घास स्थल, ए वालों के जवाब सही है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऊर्जा का प्रवाह, अजैविक पदार्थों का चक्रीकरण, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, जीवधारियों में विद्यमान विविधता। जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, जिस पर जीवन संभव है। इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है और सी वालों के जवाब ज्यादातर सही हैं। यहां गलती करिएगा, परीक्षा हाल के अंदर कोई गलती क्षम्य योग्य नहीं होगा। मरुस्थल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? सूक्ष्म जलवायु का, उष्णकटिबंधीय शांत का, ताप प्रवणता का, वृष्टि छाया क्षेत्र का। जी हां, प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया है। मरुस्थल किसका, जैसे पूछा जाए शीत मरुस्थल लद्दाख क्या है, जैसे यहाँ पे शीत मरुस्थल है तो ये किसका है, यहाँ पे जो है ये वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। देखिए कितना ज्यादा गलती धीरे धीरे करते जा रहे हैं आप लोग, यह गलती परीक्षा हाल में न दोहराइएगा। रेडियो लेनियन किस प्रकार की ऊर्जा है? सिलिका पदार्थ की, चूना प्रधान, सिल्ट प्रधान, डोलोमाइट प्रधान, बताइए सभी लोग। रेडियो लेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? सिलिका, चूना, सिल्ट, डोलोमाइट। जी हां, सिलिका प्रधान है, क्वार्ट्जाइट केंद्रित होता है, चूना पत्थर से, ऑक्सीडियन से, बलुआ पत्थर से, शैल से। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा, बलुआ पत्थर से। अगला आपके सामने है सवाल, सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है? अस्तरी मेघों के जलवाष्प से, पश्चाप अस्तरी मेघों के में हिमरुखों में, पश्चाप मेघों के हिमरवों में, अस्तरी मेघों के धूल में। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पश्चाप अस्तरी मेघों के हिमखों में, बी वालों के जवाब सही है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह क्या है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुववृत्त। वार्षिक तापांतर कहां कम होता है सबसे न्यूनतम? जी हां, भूमध्य रेखा इस प्रश्न का सही जवाब है। यार वीडियो को शेयर करिए सभी लोगों तक, ये डेली क्लास चलेगी अब परीक्षा तक। अच्छा, इतनी जल्दी उत्तर ना दे। महासागरों में पाई जाने वाली प्रबाल भित्तियों की विरंजक का कारण क्या है? ये सब पर्यावरण के सवाल हैं, अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, बताइए। महासागरों में पाई जाने वाली प्रवाल
जो भित्ति है उसके लिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है प्रवाल भित्तियों में विरंजक का कारण। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, जल प्रदूषण क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कारक कौन सी है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ये सभी महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए भैया, सारे परीक्षा वाले सवाल हैं। अगला है क्लास्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्थितिकरण होता है। देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा, नोट्स आपके काफ़ी मददगार हो जाएंगे। मेरी क्लास जौनपुर जनपद के सिराज एहन से लाइव निःशुल्क चल रहा है मेरे बचे हुए समय से एज ए गेस्ट के रूप में। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, आप लोगों ने भी सही दिया है अवायवी, अवायवी इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, क्लास्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्थितिकरण पारिस्थितिकी तंत्र में स्वनियंत्रण होता है जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, उपरोक्त सभी। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, उपरोक्त सभी द्वारा पारस्परिक स्वनियंत्रण होता है जांच संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा, उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऐसे ही ना होता है ऊर्जा का प्रवाह, ऐसे ही होता है ना, तो क्या होगा, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, माने बी वालों के जवाब सही है। अब यहां पे देखेंगे नाइट्रोजन और यौगीकरण में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, ए और बी दोनों। आप परीक्षा देने जा रहे हैं ध्यान रहे, जहां पे ए बी दोनों आए या ये सभी आए, ये दोनों विकल्प 80% सही होते हैं। कितने परसेंट, 80% सही होते हैं। अगर नकारात्मक अंक ना रहे तो आप ऐसे प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। अगला, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नो स्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। यह एक परजीवी के रूप में है, सहजीवी के रूप में है, एक कवक मूलक के रूप में है, एक अधिपादक के रूप में है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जी हाँ, यह एक सहजीवी के रूप में है। बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला सवाल पुनः आप सबके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाई जोड़ती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाई ऑक्साइड जोड़ती है, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया, ये सभी। हमने बात बताई थी ऊपर, सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक लाइव देखेंगे। यहां पर प्रश्न का होगा उपयुक्त सभी मैंने बताया था, जहां पर आल आप दी जाए, अगर प्रश्न का उत्तर न पता हो, नकारात्मक अंक ना हो, 80% विकल्प आपका सही होता है। किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का परिरक्षण अच्छी तरह नहीं होता तथा जैव विविधता कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है। बताइए, प्रवण पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में, मिश्रित एवं पारिस्थितिकी तंत्र में, ए और बी दोनों यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला है, यहाँ पे ये नकारात्मक प्रश्न है। तो जब नकारात्मक प्रश्न होता है तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में। बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है घास से, शैवालों से, वृक्षों से, घास के खेतों से। सभी साथी जल्दी जल्दी जवाब देंगे, अधिकांश ऑक्सीजन कहां से मिलती है,
फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ, यह सवालों से मिलती है, बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग, वालपराई। वालपराई इस प्रश्न का सही जवाब है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। यह आपका होगा नई दिल्ली। ए वालों के जवाब सही हैं। अगला सवाल, यार क्या आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे? देखिए, सभी नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग भी दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लें। किस देश के उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। उसके भौगोलिक क्षेत्र उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जापान। डी वालों के जवाब सही हैं। ठीक, डी वालों के जवाब सही हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनार्थगत क्षेत्र होना चाहिए 10%, 23%, 33%, 53%, कितना होना चाहिए? फटाफट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। जी हाँ, 53% इस प्रश्न का सही जवाब है। नहीं, 33% है। देखिए, दो बातें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें दो बातें हैं, एक है मैदानी और एक है पर्वती। यहाँ पे 33%, यहाँ पे 66%, और ओवरऑल कितना चाहिए? 33% वन चाहिए। कितने परसेंट? 33% वन चाहिए। ठीक, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय पारिस्थितिकी के रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। कौन से ऐसे समुदाय हैं? भूटिया लेपचा, गोंड कोरकू, इरुला तोड़ा, शहरिया अगरिया। शहरिया जनजाति कहाँ मिलती है? लेपचा जनजाति कहाँ मिलती है? भूटिया कहाँ मिलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोंड और कोरकू। ये कड़े सवाल है थोड़े थोड़े, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे प्रश्नों के साथ भी गुजरना पड़ेगा। किस जियोम की भूमि अम्ली तथा अम्ल खनिज पदार्थ वाली होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, कुंज वन। जी हां, शंकुधारी वन इस प्रश्न का सही जवाब है। फिर यहां पे प्रश्न है, कुंज वन कहां पर फैला है? साइबेरिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका, अरब। यह उत्तरी अमेरिका में। सी, क्राउन साइनेंस नामक परिदृश्य कहां मिलता है? शीतोष्ण वनों के पतझड़ के मौसम में, शीतोष्ण वनों में वसंत के दिनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, चपरल की झाड़ियों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सी वालों के जवाब सही हैं। क्राउन साइनेंस नामक परिदृश्य कहां मिलता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? उष्णकटिबंधीय सवाना, घास के मैदान, रूपांतरित सवाना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती कुंजन। चलिए, यहां पर ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा रूपांतरित सवाना। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किससे हैं? कोरधारी, पतझड़, आयनवर्ती मानसून वन, आयनवर्ती सदाबहार वन। महोगनी, एबनू, यह है डी।
अयनवर्ती कह सकते हैं, भूमध्य रेखी कह सकते हैं, वर्षावन कह सकते हैं। ठीक, भारत में निम्नलिखित वनस्पति प्रजातियों में से किसका एक बृहत क्षेत्रीय विस्तार है? शाल, शीशम, सागौन, देवदार, बताइए फटाफट कमेंट करके। शाल, ए वालों के जवाब सही है। विश्वती वर्षावन के दूसरे किस नाम से जानते हैं? लानोस, कंपास, ग्रांचा को, शेलवास। जी हाँ, शेलवास के नाम से जानते हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 जून, 1 जुलाई 7 जुलाई, 1 अगस्त से 7 अगस्त। यार आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, घट रही है। 1 जुलाई से 7 जुलाई। छोटा नागपुर के जंगल है पतझड़ व सवाना, सदाबहारी एवं स्टेपी, पतझड़ व स्टेपी कैसे वन है? जी हाँ, पतझड़ सवाना वन कैसे है? पतझड़ व सवाना वन। काले वन पाए जाते हैं फ्रांस में, जर्मनी में, चेको स्कोलोवाकिया, रोमानिया। कहाँ पे? जर्मनी में। बाद में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। एम्फोरा जार क्या होता है? लंबा बिना हत्थेदार जार, छिद्रयुक्त जार, और छिद्रयुक्त जार, लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार जार, उसे हम एम्फोरा जार कहते हैं। किस कवि के नाम पर उल्लेख एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है? एहोल, कालिदास, कबीरदास, इत्सिंग। याद रहे, जहां सुप्रीति में से कोई नहीं आता है वो 20% ही सही होता है और 80% ये गलत होता है। ठीक, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? कालिदास। चीनी लेखकों के द्वारा भारत का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सियुकी, शोपातु, इंतु, शुकी। सभी लोग बताइए सियुकी किसकी रचना है, कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का जवाब होगा इंतु सी। चीनी लेखकों द्वारा भारत का उल्लेख इन टू के नाम से किया गया है। कौन सी भूमि अपरदत्त भूमि कहलाती थी? सिंचित भूमि, जोतुई भूमि, बिना जोतुई जंगली भूमि, ऊसर भूमि। अपरदत्त भूमि कहलाती थी बिना जोती हुई जंगली भूमि। सी वालों के जवाब सही है। किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे के प्रमाण मिले हैं? झाम गांव, नेवासा, नौदा टोली, आहार। नेवासा, बी वालों के सही जवाब। किन बौद्धिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? सतुही, कुंभा, कुभा, अस्किनी, सतलुज, कुभा। निम्नलिखित में से क्रम से अलवार और नैनार थे? बैसणो और जैन, बैसणो थे, शैव और वैष्णो, यहाँ पे थे बैसणो और शैव। डी,
मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय किसके द्वारा हुई? पृथ्वीराज द्वितीय, मूल राज द्वितीय, परमादिदेव जयचंद, बताइए। मूल राज द्वितीय, बी वालों के जवाब सही है। भारत में रेलवे का विस्तार सबसे ज्यादा किस वायसराय के काल में हुआ? कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, मिंटो द्वितीय। भारत में रेलवे का विस्तार सबसे ज्यादा किस वायसराय के काल में हुआ? जी हाँ, लॉर्ड कर्जन इस प्रश्न का सही जवाब। किस अभियान के दौरान शेरशाह ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो दिया था? मालवा, मारवाड़, रायसीन, कॉलिंजर। लॉर्ड रिपन को एक विशेषता कमेंट करके बताइए। लॉर्ड इरविन गांधी जी और इरविन समझौता क्या था? मिंटो द्वितीय कौन थे? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा मारवाड़, बी। अगला सवाल, 1790 में कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस ने किसकी अनुमति से जमींदारों की भूमि का स्वामी स्वीकार किया? राजस्व बोर्ड, राजस्व समिति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आधुनिक भारत के इतिहास है ये, राष्ट्रीय आंदोलन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सी वालों के जवाब सही हैं। जतिन दास जिनकी 63 दिन उपवास के बाद मृत्यु हुई थी, किस केस से संबंधित थे? काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, चटगांव शस्त्रागार। शस्त्रागार, बताइए। ये आधुनिक भारत का इतिहास है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सवाल हैं, आप सभी के सिलेबस में है। लाहौर षड्यंत्र एकदम सही जवाब। इस प्रश्न का उत्तर बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। ब्रिटिशों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया? 1773, 1883, 1787, 1858। जी हाँ, 1813 इस प्रश्न का सही जवाब है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली। ए के आजाद। सी वाले सही है, इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी? खिलाफत आंदोलन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहकार आंदोलन की। जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। खिलाफत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। किस सत्याग्रह शब्द, किसने सत्याग्रह शब्द को दिया? सरदार पटेल, सी आर दास, महात्मा गांधी, रामदास गांधी। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं। महात्मा गांधी जी, राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? 1863, 1892, 1899, 1893। ये सभी लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, जो भी नए आ रहे हैं दुर्गेश सर सर्च करके लेने भी दुर्गेश पर। 1893 डी वालों के जवाब सही हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था? शाह आलम, अकबर शाह द्वितीय, औरंगजेब, अकबर शाह प्रथम। अकबर शाह द्वितीय।
बुलंदी बाग प्राचीन स्थित है स्थान है कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वाराणसी। पाटलिपुत्र बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। श्रावस्ती, वैशाली, राजगिरी, कुशीनगर। पढ़ लीजिएगा, बुद्ध से भी प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में आता है। वैशाली प्रश्न का सही जवाब होगा, बी वालों के जवाब राइट हैं। अगला सवाल, सर्जेंट योजना के तहत किस प्रकार की शिक्षा की सिफारिश की गई? प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, ए और बी दोनों, विश्वविद्यालय शिक्षा। जी हाँ, प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, ए और बी दोनों, अर्थात प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। पशुपाद संप्रदाय के संस्थापक लकुलीस का जन्म स्थान कयावरोहण को माना जाता है कहां पर है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। गुजरात इस प्रश्न का सही जवाब है। मौर्य काल में मासक नामक किस धातु से बने थे? मासक नामक सिक्के किस धातु से बने थे? तांबा। किससे बने थे? तांबा। अगला प्रश्न है, तकीके हिंद किताबुल हिंद का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। रजनीकांत शर्मा, एडवर्ड थॉमस, सचाऊ, इसमें कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, सचाऊ। कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस, जलकुंभी, बबूर, केर। इसे बंगाल का आतंक कहते हैं। यूकेलिप्टस 1000 से ज्यादा लीटर पानी ले लेता है। यह सब आपको लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में उपलब्ध है। राज्य समूह में से वन के भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र कहां पे हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, वैसे से अधिक क्षेत्र पर आधारित है। अगला प्रश्न में सवाल है, कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। ज्वारी वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन, पतझड़ वाले वन। पतझड़ वाले वन। जैतून फसल है, उष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, टैगा जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु सही जवाब है। सी। किस बायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ? समाना, टुंड्रा, रोम सागरी, शीतोष्ण घास। समाना बायोम, ए इसका सही जवाब है। स्टेपी जलवायु सबसे बड़ी विशेषता है। महाद्वीप जलवायु का विकास, शुष्कता का साम्राज्य, उच्च वार्षिक तापांतर, दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव। बताइए फटाफट कमेंट करके। उच्च वार्षिक तापांतर। विश्व के किस बायोम के प्रमुख अन्य भंडारण तथा दुग्ध व्यवसाय के कोड स्थल स्थित है? बताइए 88 फटाफट कमेंट करके। शीतोष्ण घास बायोम, ए वालों का जवाब सही है पूरी तरह से। सागरी बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? फाइटोप्लैंकटन, जुप्लैक्टन, नेक्टन, वेथंस।
जो प्लैंकटन लघुत्तम वर्धन काल का जीवोम है, समाना, टैगा, चैपरेल, टुंड्रा। टुंड्रा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पे है? देहरादून, भोपाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा। भोपाल सही जवाब। मोहगनी, रोजबूड, आबनूस किस बायोम के वृक्ष हैं? बिस्वती वन बायोम, भूमध्य सागरी बायोम, मानसूनी बायोम, टैगा बायोम। बताइए फटाफट कमेंट करके। बिस्वती वन बायोम, ए वालों के जवाब सही हैं। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? टाइगा, टुंड्रा बायोम, सवाना घास बायोम, मानसूनी बायोम। मानसूनी बायोम। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? रेंडियर। टुंड्रा, टैगा, रूम सागर, शीतोष्णकटिबंधी। टुंड्रा बायोम। जल्दी करवा रहे, मजबूरी है। अगला, आप सबसे लेट में हम ही क्वेश्चन कराते थे, आराम आराम से पढ़ा व्याख्या कर समझाते थे, आज पहली बार इतनी तेज पढ़ा रहे हैं, केवल प्रश्न का उत्तर। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? बुशमैन, पिग्मी, मसाई, लंबरजैक। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, पिग्मी। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? प्लैंकटन, नेक्टन, वेंथस, नेक्टर। बताइए, वेंथस। कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? टुंड्रा बायोम, टैगा बायोम, रूम सागरी, स्टेपी। टुंड्रा बायोम इस प्रश्न का सही जवाब है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा, तीन दाट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा ले। यह वीडियो फेसबुक पेज, यूट्यूब पर निशुल्क लाइव चल रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, शेयर बाजार, घोड़दौड़, करारोपण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। शेयर बाजार एडा नियमन करती है, बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, फुटकर व्यापार, इसमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, बचा क्या आपका ए बी सी? तो ये होगा बीमा कंपनियों का। किसका? बीमा कंपनियों का। और ट्राई किसके लिए है? सेबी किसके लिए है? इन दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, ठीक है। आर्यन मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? बीमार उद्योग, कर सुधार, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, इकोनॉमिक्स के सवाल हैं अब। बीमा क्षेत्र सही जवाब। आर्यन मल्होत्रा कमेटी समेत भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का कारण है विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह और बाह प्रवाह, विदेशी पूंजी बाजार में उच्च अवैध, मौद्रिक नीति में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। आपको बताया जहां पे आलाप दी जाएगा, प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो आलाप दी। विदेशी कोषों का अंतर प्रवाह, बाह प्रवाह, विदेशी पूंजी में बाजारों में उच्च अवैध, मौद्रिक नीति में परिवर्तन, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? भारतीय स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड, सामान्य बीमा कंपनी का म्यूचुअल फंड, इंडसइंड बैंक का म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई का म्यूचुअल फंड।
मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। आरबीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जिया साख योजना बनाई जाती है लेड बैंक के अंतर्गत, नाबार्ड के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत, भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत। लेड बैंक के अंतर्गत किस कंपनी के डिवेंचर धारक उसके शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं, निदेशक होते हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक? आप लोग सही जवाब दे रहे हैं प्रश्न का, लेनदार होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी, जीआईसी, आईडीबीआई, उपयुक्त सभी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 106। ऑल ऑफ दीज। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन संगठन करता है? पूंजी निर्गमन नियंत्रण, वित्त मंत्रालय, भारतीय कंपनी लाभ बोर्ड, भारतीय प्रतिभूतियों विनिमय बोर्ड। अब बताइए, इतना पढ़ने के बाद लगातार आप लोग इलेनिक विद्रोह से क्लास पढ़े हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? कौन सा भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? फेमा, सेबी, एमआरटीपी अधिनियम। फेमा का फुल फॉर्म क्या है? मैंने पढ़ाया, अगर लगातार मेरी क्लास पढ़ोगे आपको पता होगा, सेबी ये शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। शब्द बुल तथा बियर माने बैल और भालू, विदेशी व्यापार, बैंकिंग, शेयर बाजार, वस्तु निर्माण। आपने सुना होगा बुल और बियर माने बैल और भालू। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। शेयर बाजार में कौन सा सटोरिया नहीं है? फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, घर बैठे संपूर्ण नोट्स आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, मेरी क्लास आप सभी को निशुल्क है। देखिए ये किससे हैं? देखिए तेजड़िया है, मंदड़िया स्टैग है, दलाल नहीं है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करके बताइए इसका संबंध किससे है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर जवाब देंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, ये गलत है इसीलिए सही, मतलब सी। चलिए, अनुप जी ने सही जवाब दिया है। अगला सवाल, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जापान की निक्की है, यूके का एफटीएसआई है, यूएसए का नैसडैक है, सिंगापुर का स्कॉम्स नहीं है। ये सभी के स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, इसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ की है कमेंट करके बताइए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1944, 1950, 1947। 1956 ये वालों के जवाब सही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन, बैंक गारंटी, अमानत राशि, नकद आरक्षी अनुपात। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। आप लोग कहते थे सर सभी विषय कराइए, सभी विषय की सीरीज लेकर आइए, ऐसी सीरीज कराइए ताकि सभी विषय का सम्मिश्रण हो और ये पता चले कि हम लोग कितने पानी में हैं। जी हाँ, नगद आरक्षी अनुपात, डी वालों के जवाब सही हैं। ठीक है,
भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार शामिल है। CRR SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र की निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन, उपयुक्त सभी। मैंने ट्रिक बताया है, आप लोग को याद होगा। देखिए, जहां पे उपयुक्त सभी आ जाए 80% आंख मुन के मार देकर सही, यहां पे 20% ही विकल्प गलत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटेगा, सरकार कर संग्रह को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा, क्या होगा? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, सी वालों का जवाब सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करती है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, उपरोक्त सभी। सभी लोग फटाफट कमेंट करें जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं जवाब देते रहे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, ऑल ऑफ दीज एकदम राइट आंसर है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में ऋणदाता से तात्पर्य किसको ऋण देने से? कृषि, लघु छोटे उद्यम, दुर्बल और उपयुक्त सभी। मैंने बताया जहां पे उपयुक्त सभी आ जाए। प्रश्न का उत्तर अगर आपको नहीं पता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं है, तुड़ी लगा दीजिएगा। ठीक है, द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग वृद्धि होती है तो क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता घट जाती है, कोई बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वाणिज्य बैंक पर देखिए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। मैंने इकोनॉमिक्स की सीरीज में पढ़ा, एक बार आप लोग जाके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत के सभी ATM को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, एक बार वीडियो फेसबुक पे भी शेयर कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां भी शेयर मार दीजिएगा। कह रहा है कि सूचकांक रेजिडेक्स क्या है? शेयर की कीमत से है, म्यूचुअल फंड से है, कीमत सूचकांक से है, भूमि कीमत से है। सूचकांक रेजिडेक्स भूमि कीमत में। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बी। कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? साहूकार, ऋणी, राजकीय पेंशनर, बचत खाता अकाउंट रखने वाला। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ऋणी सही जवाब है इस प्रश्न का, बी वालों के राइट आंसर हैं। मच्छर क्वाइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रीन प्राप्त होता है एक बीजी पौधों से, एक कीट से, एक जीवाणु से, एक कवक से।
किससे प्राप्त होता है बताइए। जितने इस वीडियो को लाइक देख रहे फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, साइंस के सवाल लग गए हैं आपके सामने। एक बीजी पौधों से एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किस निम्न में से किस रूप में? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जाएं और जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। देखिए प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने एकदम बताने का प्रयास किया है, कीटनाशक। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? कीटनाशक के लिए। आगे आपके पानी छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है? बताइए। क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। यूरिया। सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। चलिए डिस्क स्पेस पर मैंने बताया था ना ये सभी 80% ही सही होता है। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ईंधन की तरह, स्नेहक की तरह, विमंडक की तरह, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हां विमंडक की तरह। जिसको साफ नहीं दिख रहा है वो क्या करेंगे, तीन डॉट बिंदु पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें। ध्रुव पूर्णिमा साइरस में क्या संबंध है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यह भारतीय शोध रिएक्टर है। यह क्या है? यह भारतीय शोध रिएक्टर है। सबका क्लियर हुआ भैया कॉन्सेप्ट? या फिर भी किसी के मन में कोई डाउट है? अगला, शीतल पेय जैसे कोका कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? जैसे कोका कोला हुआ, स्प्राइट हुआ, सबसे ज्यादा मात्रा क्या होता है? कैफीन, निकोटीन, टैनिन, रेनिन, क्या होगा? कैफीन होगा। समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में यहीं से मिल जाएंगे हूबहू, इसलिए एक बार पढ़ लीजिए, यहां गलती हो जाए चलेगा, परीक्षा हाल में गलती ना होने पाए। आयोडीन सही जवाब। रेशम तंतु रोम पिच नख नखर निर्मित होते हैं? फाइब्रिन, इलास्टीन, किरेटीन, कोलेजन। किरेटीन सही जवाब। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांसवसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है एचडीएल का, एलडीएल का, ट्राइग्लिसराइड का, इंसुलिन का, किसका? एचडीएल का। ए वालों के जवाब सही है। बैसिलस थुरिंजियंस का उपयोग होता है जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, जैविक कीटनाशक।
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। यकृत प्रश्न का सही जवाब है। किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया? चीन, यूके, स्विट्जरलैंड, ब्राजील। ब्राजील इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों को उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, रिएक्टर यथावत कार्य, तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ये नोट्स में ही लेने मित्र के। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय तैयार हो जाता है क्योंकि जल क्वथनांक बढ़ जाता है, जल क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम उष्मा लेता है, क्या होगा बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल में वायु का बुलबुला निम्न में से किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका राइट आंसर है। किसका उपयोग पॉलिथीन के संश्लेषण में किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एथिलीन बहुलक जो विशेषतर बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, टेफ्लॉन। सही जवाब बी इसका सही जवाब होगा। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? लैक्टिक एसिड, पाइरूविक एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड। लैक्टिक एसिड सही जवाब। जल जनित रोग है चेचक, मलेरिया, तपेदिक, हैजा। जल जनित रोग है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। हैजा प्रश्न का सही जवाब। निम्न में से कौन सा कीटहारी पाइप है? बालानोफोरा, रेफ्लेसिया, ओरोबासी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टेसिस, फिटेंसिस रोग किसके कारण होता है? लाल उद्रणों के अभिलेषण से, रक्तस्राव, डायबिटीसिस, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए। गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? निषेचन को, आरोपण को, योनि में शुक्राणुओं को प्रवेश को, अंडोत्सर्ग। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए अंडोत्सर्ग को रोकती हैं, डी वालों के सही जवाब है। यहाँ पे हो गए आपके 150 प्रश्न पूरे। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्त किसके कारण होती है? देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर से व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है, देश हित में, राष्ट्र हित में, ठीक है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो तुरंत आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये 150 प्रश्नों की मैराथन सीरीज जीएसजी के विविध की सीरीज हम आपके लिए लेकर आए थे, ये पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर होगा एफ्लाटॉक्सिन नामक जो खाद्य विषाक्त कारण होता है, जीवाणु, ऑक्सीजन कमी, वायरस, कवक। मानस नदी किसकी उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र।
मानस नदी किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। कौन सा नदियों में कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। सी वालों के जवाब सही हैं। इस प्रकार आज 150 प्रश्नों की प्रश्न बैंक यहाँ पे समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो वीडियो को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। प्रतिदिन इसी समय आप ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव आ जाइएगा। यह क्लास फेसबुक पेज यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव चल रहा है मेरे द्वारा एज ए गेस्ट के रूप में। आप लोग भी पढ़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सीरीज में। और दिन भर क्लास चलती है, उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश है। मेरी भी आईडी इंस्टाग्राम पे दुर्गेश जायसवाल सर, फेसबुक पेज भी है दुर्गेश अशोक जायसवाल। बाय बाय। चलिए कोई बात नहीं, यहां गलती हो जाए, परीक्षा हाल के अंदर गलती नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बाय बाय।